चलो आज बात करते हैं फैन एडिशन की, गैलेक्सी S20 FE, एफई बोले तो फैन एडिशन। पिछले साल का गैलेक्सी S10 Lite, Note 10 Lite याद है आपको? मतलब गैलेक्सी S10 का सस्ता सुंदर टिकाऊ वर्जन। तो गैलेक्सी S20 FE को थोड़ा बहुत वैसा ही समझिए। सैमसंग की सुपर हिट गैलेक्सी एस सीरीज के गुण क्या हैं? भाई बढ़िया स्क्रीन, शानदार कैमरा, खूबसूरत डिस्प्ले, बेहतरीन डिजाइन और तेज तर्रार परफॉर्मेंस। अब गैलेक्सी S20 FE इन सारे गुणों के ऊपर कितना खरा उतरता है, तो आइए इसका रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन से। गैलेक्सी S20 में आपको मेटल एंड ग्लास डिजाइन देखने को मिलती थी, यहां पर प्लास्टिक डिजाइन है जिसे सैमसंग ग्लास्टिक कहता है। ये ग्लास्टिक डिजाइन भी काफी प्रीमियम लगती है, मतलब दूर से तो इस फोन को देखने पर ऐसा ही लगता है कि ये कोई फ्रॉस्टेड मैट फिनिश ग्लास वाली बैक पैनल का ये कोई स्मार्टफोन है और दिखने में बिल्कुल वैसे ही बढ़िया लगता है, प्रीमियम दिखता है ग्लास्टिक डिजाइन होने के बावजूद भी। और 6 नए कलर्स हैं इसमें। बेसिकली सैमसंग को गैलेक्सी S20 FE की कॉस्ट कम करनी थी, तो उन्होंने मटेरियल के मामले में कॉस्ट कम कर दी और इसमें ग्लास्टिक डिजाइन दे दी। अर्गोनॉमिकली अगर बात करें तो ये काफी परफेक्ट है, हाथ में एकदम परफेक्टली फिट आता है और वाटर रेजिस्टेंट भी है। गैलेक्सी S20 FE को फुल मार्क्स, बस एक मार्क्स में काटूंगा कि 50,000 रुपए की कीमत में मेटल एंड ग्लास डिजाइन नहीं दी, ग्लास्टिक डिजाइन दे दी, तो इस कारण से एक मार्क्स काटूंगा, देता हूं 10 में से 9 नंबर। अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन की। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग गैलेक्सी S20 FE अपने स्ट्रॉन्ग जोन में है। इसका 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले जबरदस्त है। कंपटीशन के मद्देनजर इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया और गेमिंग के लिहाज से तो इसका डिस्प्ले एकदम परफेक्ट है बॉस। मतलब ना सिर्फ गेमिंग बल्कि वेब स्क्रोलिंग और बाकी जो एनिमेशंस हैं, ट्रांजिशंस हैं, वो इतने स्मूथ रेंडर होते हैं कि आपकी आंखों को सुख मिल जाता है। मतलब एकदम झकास परफॉर्मेंस है। और अगर बाकी स्क्रीन के इसकी बात करें तो कलर्स बेहतरीन नज़र आते हैं, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स, ब्राइटनेस लेवल्स, सब एकदम फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन की टक्कर के दिए गए हैं। बस एक छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आई सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के अंदर, ये पंच होल के बॉर्डर पे पता नहीं क्या ये चमकदार सी एक रिम जैसी एक डिज़ाइन दे दी है, जिसके कारण से इसकी जो पंच होल की जो आउटर रिम है वो अलग से चमकती रहती है, जो कई बार मतलब जो है ना इसका पंच होल बाकी और फोन्स में सैमसंग के पंच होल खटकता नहीं है, पर S20 FE में पता नहीं इसका पंच होल क्या है, वो चमकदार रिंग के कारण नज़रों में अटकता है बहुत ज़्यादा। कुल मिलाकर सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के डिस्प्ले में अगर आप ज़बरदस्ती के नुक्स निकालो तो आपको 2-4 और नुक्स देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की जो स्क्रीन है वो नेक्स्ट टू परफेक्ट आप उसको कह सकते हैं, बेहतरीन स्क्रीन है और इसको मैं स्क्रीन के मामले में दूंगा 10 में से 9 नंबर। वैसे तो ये फैन एडिशन है, मतलब दुनिया भर के फैंस के इनपुट लेकर सैमसंग के मैनेजमेंट ने, सैमसंग के डिज़ाइनर्स ने S20 FE को डिज़ाइन किया, लेकिन पता नहीं जाने क्यों इंडिया के फैंस को सैमसंग ने नज़रअंदाज कर दिया S20 FE को डिज़ाइन करते वक्त, परफॉर्मेंस के मामले में खासतौर पर। और उन्होंने इसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर डालने के बजाय उन्होंने एक्सिनोस 990 प्रोसेसर इसके अंदर फिट करके दे दिया। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, हो सकता है भूल गए होंगे सैमसंग के मैनेजमेंट वाले, सैमसंग के डिज़ाइनर्स, ये इंडिया के मार्केट के जो इंडिया के कंज्यूमर्स हैं उनका इनपुट लेने में। बट एनीवे, यहाँ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एक्सिनोस 990 जो चिपसेट है वो एकदम रद्दी है, किसी काम का नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। एक्सिनोस 990 सैमसंग के कई फ्लैगशिप फ़ोन्स में हमें आज की तारीख में देखने को मिल रहा है, जिनमें उनके नोट डिवाइसेज हैं, एस सीरीज के डिवाइसेज हैं, और एक्सिनोस 990 प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और इनफैक्ट आज की तारीख में भी उसके ऊपर चलने वाले जो स्मार्टफोन्स हैं इंडियन मार्केट में जो बिक रहे हैं वो बेहतरीन चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे कहने का पॉइंट सिर्फ ये है कि जब आप किसी फ़ोन के नाम के साथ FE लगाते हैं, उसे फैन एडिशन बनाते हैं,
तो आपको उस फोन को लॉन्च करते वक्त किसी स्पेसिफिक मार्केट में भी, और वो मार्केट जो दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है, वहाँ पर लॉन्च करते वक्त तो आपको बात वहाँ थोड़ी बहुत भावनाओं की आ जाती है, क्योंकि काफ़ी वक्त से ये डिमांड उठती आ रही थी कि सैमसंग के स्मार्टफोन्स में यहाँ इंडियन मार्केट में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाले हमें चिपसेट देखने को मिले। लेकिन अगर आप फैन एडिशन बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक्सिनोस प्रोसेसर के बजाय स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देना चाहिए था। पर भावनाओं को अगर साइड में रखते हैं तो परफॉर्मेंस के मामले में S20 FE ज़रा सा भी तंग नहीं करता। मतलब इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए मुझे एक महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है, इसके ऊपर आप गेम खेलो, मल्टीटास्किंग करो, ज़रा सा भी लैग नहीं करता, ज़रा सा भी तंग नहीं करता, ज़रा सा भी स्लो नहीं पड़ता। फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस आपको S20 FE में आपको देखने को मिलेगी। रही बात इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर इसकी जो 4500 mAh की जो बैटरी दी गई है वो मेरे एक महीने के यूजेस के दौरान उसने 1 से 1.25 दिन का मेरे को बैटरी लाइफ दी एक फुल चार्ज के ऊपर। मतलब गेम वेम अगर ज़्यादा खेल लिया तो रात को आपको इस फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, अगर नॉर्मल परफॉर्मेंस ली तो अगले दिन दोपहर तक फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। S20 FE वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग के साथ आता है, और वायरलेस चार्जिंग का फीचर जो है वो रोज़ाना आपके काम में काफ़ी आएगा, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग ही होती है। पर रही बात रिवर्स चार्जिंग की, तो उसके लिए तो मतलब ये है ना कि घर में कोई दूसरा फ़ोन होना चाहिए, पावर बैंक नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे कई पैरामीटर्स हैं। तो रिवर्स चार्जिंग कितने काम में आती है ये बहुत हद तक आपके खुद के पर्सनल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से गैलेक्सी S20 FE को मैं दूंगा 10 में से 8 मार्क्स, 2 मार्क्स जो काटे वो हम इंडियन फैंस का दिल तोड़ने के लिए। अब बात कैमरा की। S20 FE में S20 सीरीज की ही तरह ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कॉम्बिनेशन है 12 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ आता है, 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस के साथ आता है, 3x ऑप्टिकल जूम और 30x स्पेस जूम के ऑप्शन के साथ। अब यहाँ पर वो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और 100x स्पेस जूम वाले फीचर्स जो इस साल के सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेज में हमें देखने को मिले वो S20 FE में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वो एक तरीके से प्रैक्टिकल भी माना जाएगा, क्योंकि 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अभी इकोसिस्टम उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो अगर S20 FE में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है, 8K नहीं मिल रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ स्क्रीन पर आपको जो ढेरों फोटोग्राफ्स देखने को मिल रहे हैं ये सब ये S20 FE से कैप्चर किए गए हैं। तो आमतौर पर सैमसंग के कैमरा बड़े वार्म टोन में इमेजेस कैप्चर करते हैं, बट सरप्राइजिंगली S20 FE का कैमरा काफ़ी नेचुरल टोन में इमेजेस क्लिक करता है, जो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आती हैं। अच्छी रोशनी में तो फोटोग्राफ्स गजब की खूबसूरत नज़र आती हैं, फोकस भी एकदम कड़क रहता है, कम रोशनी में भी गैलेक्सी S20 FE उतना ख़राब परफॉर्म नहीं करता। 3x ऑप्टिकल जूम अच्छा परफॉर्म करता है, बट उसके ऊपर जाना मतलब आई वोंट सजेस्ट। पोर्ट्रेट मोड और सेल्फी कैमरा भी अच्छे रिजल्ट देता है। ओवरऑल सैमसंग ने कैमरे के मामले में कॉस्ट कटिंग की ज़रूर है, पर वो बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कॉस्ट कटिंग की है, जिसका असर उसके फाइनल आउटपुट पर नहीं आता, जो कि काबिल तारीफ बात है। और इसीलिए सैमसंग गैलेक्सी S20 के कैमरे को मैं देता हूँ 10 में से 8 नंबर। अब डायरेक्ट वर्डिक्ट ले लेते हैं। ज़्यादातर कंपनियां लाइट वर्जन के नाम पर आपको रात के बचे हुए चावल छौंक कर दोबारा परोस देती है, यानी 1-2 साल पुरानी टेक्नोलॉजी नए लुक और डिज़ाइन के में ढाल कर आपके सामने परोस दी जाती है। ऐसे लाइट वर्जन के फ़ोन ज़्यादातर दिखावे के ज़्यादा और ख़रीदने लायक कम होते हैं, लेकिन सैमसंग ने S20 FE के साथ एक नई अप्रोच अपनाई है। यहाँ पर S20 FE के नाम पर सैमसंग आपको पुराना चावल दे जरूर रहा है, यहाँ चावल पुराना ज़रूर है, पर उससे पकी हुई बिरयानी एकदम ताज़ी और टेस्टी परोस के आपके सामने आ रही है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। सैमसंग ने S20 FE के अंदर हर वो चीज़ दी है, हर वो फीचर दिया है जो किसी भी कंज्यूमर को आज की तारीख में चाहिए ही चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग ने इसमें कॉस्ट कटिंग करने में भी कंजूसी नहीं की है, वो सभी फीचर्स जो गिमिकी हैं, वो सभी फीचर्स जो आज की तारीख में
इस प्राइस रेंज में शायद कंज्यूमर की विश लिस्ट में उतने ज़्यादा ऊपर नहीं है। उन फीचर्स को इस फ़ोन से हटा भी दिया है, उसमें उस जरिए कॉस्ट कटिंग भी कर दी है, लेकिन वो फीचर ज़रूर दिए हैं जो सैमसंग के कंज्यूमर्स को आज की तारीख में चाहिए ही चाहिए। अगर रियल लाइफ प्रैक्टिकल यूजेस के हिसाब से अगर आप S20 FE को ठंडे दिमाग से इस फ़ोन के बारे में सोचेंगे तो आप खुद ये एनालाइज करेंगे, खुद ये महसूस करेंगे कि 50,000 रुपये से ऊपर के बिक रहे कई स्मार्टफोन्स के मुकाबले सैमसंग गैलेक्सी S20 FE ज़्यादा ऑनेस्ट, ज़्यादा पैसा वसूल और ज़्यादा प्रैक्टिकल स्मार्टफोन सैमसंग ने S20 FE के रूप में आपको बनाया है। ये हर मायने में एक फ्लैगशिप है, लेकिन ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन से सस्ता है। तो अगर आपका बजट 50,000 रुपये है, एक नया फ़ोन आप ख़रीदना चाहते हैं, तो इसे ले लो, बिलीव मी पछताओगे नहीं।